नमस्कार, आपको भी सादर प्रणाम। मेरा जगत जननी सीता के विषय में बात करना है। 10 मिनट का समय मुझे दिया गया है, हालांकि 10 मिनट के में सीता के चरित्र के विषय में कुछ कह पाना एक मुश्किल कार्य है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि अपनी बात को और बात क्या उसके मुख्य बिंदु को रख सकूं, और फिर कभी चर्चा करेंगे तो बहुत सी बातें मन में है उन पर बात करूंगी। सीता के विषय में बात करने के पहले थोड़ा सा मैं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से भी और ऊपर उठ करके वेदों की तरफ चलने की बात करूंगी। और हम देखते हैं कि वेदों में दो जगह सीता का उल्लेख मिलता है और दो तरह की सीता नाम से दो पर्सनालिटीज का उल्लेख मिलता है। एक तो वैदिक साहित्य में सीता जो है वह कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उल्लिखित की गई है, और कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में सीता शब्द का जो प्रयोग हमें मिलता है वो ऋग्वेद से लेकर के संपूर्ण वैदिक साहित्य में जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग उल्लेख हमें सीता के कृषि अधिष्ठात्री देवी के रूप में होने का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो हमें सीता का उल्लेख मिलता है, दूसरी सीता का, वो कृष्ण यजुर्वेद के तैतृय ब्राह्मण में सीता का उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ सीता और सावित्री को सूर्य की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है और सोम राजा के एक आख्यान को उनके साथ जोड़ा गया है। इस सीता का उल्लेख केवल तैत्तरीय ब्राह्मण में मिलता है, अन्य वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तैत्तरीय ब्राह्मण के इस उपाख्यान में किसी काम में प्रयोग के प्रभाव को दिखलाने के लिए सीता सावित्री और सोम राजा आख्यान का वर्णन किया गया है। इस आख्यान में सीता और सावित्री दोनों प्रजापति की पुत्रियां मानी गई हैं। हाँ, और त्याग की ही संस्कृति रही है, मूलतः उसका जो मेरुदंड है उसके पर आधारित है। कोई भी धर्म हो, उस धर्म के मूल में जो है त्याग की बात की गई है, और त्याग करने वाला व्यक्ति ही सुख का अनुभव कर सकता है, सुखी ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी भी मारु महापुरुष के जीवन चरित्र के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक है भोग और दूसरा है त्याग। भोग यानी सामी संस्कृति की प्रवृत्ति, जो कुछ है सब कुछ मेरे लिए हो, मैं हर किसी चीज का अधिकाधिक उपयोग कर सकूं, ये जो भोगवादी प्रवृत्ति है ये मनुष्य के अंदर दुख पीड़ा मानसिक क्लेश इन सब को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त जो त्यागवादी संस्कृति का अनुपालन करने वाले लोग हैं वो लोग सुख शांति और समृद्धि यश और प्रतिष्ठा का जीवन प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि रामायण के जो दोनों मुख्य कैरेक्टर हैं राम और सीता, दोनों का जीवन जो है त्याग की संस्कृति पर आधारित है, दोनों ही त्याग की संस्कृति के प्रतीक हैं। और भारतीय संस्कृति में अगर हम त्याग की संस्कृति की बात करते हैं तो पुरुषों के क्रम में राम की भी बात हम कर सकते हैं, उन्होंने जो है बहुत त्याग किया अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए। भरत को भी हम इसमें गिन सकते हैं, लक्ष्मण को भी गिन सकते हैं, भगवान बुद्ध महावीर इत्यादि के भी चरित्र हमें दिखलाई पड़ते हैं। परंतु अगर हम स्त्री चरित्र की बात करें भारतीय संस्कृति में, तो इस संदर्भ में त्याग की सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सीता का नाम हमें उल्लिखित मिलता है। और यह हम अगर बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि केवल सीता की ही बात क्यों, द्रौपदी की हम बात कर सकते हैं, कुंती की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जहाँ हम द्रौपदी की बात करते हैं, अगर कुंती की बात करते हैं, तो उनका जो त्यागमय जीवन था वह त्यागमय जीवन जो है उनके द्वारा चयनित जीवन नहीं था। उनके पास राज्य के त्याग का, उनके लिए राज्य का त्याग एक अनिवार्य सा हो उठा था। उनके पास निर्वसन के बाद वन जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था, जबकि सीता के पास वन ही जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वनवास राम को दिया गया था न कि सीता को दिया गया था। और फिर भी सीता ने, जो कि एक नवविवाहिता वधु थी, उन्होंने सारे सुखों का परित्याग करते हुए एक नई नवेली दुल्हन के न जाने कितने सपने रहे होंगे, उन सारे सपनों को से ऊपर उठ के पति के साथ वन जाने का वो निर्णय करती हैं और वन जाती हैं। इससे उनका यहाँ कैरेक्टर बहुत विशाल हो जाता है, उनका चरित्र बहुत उन्नत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं चयन किया एक ऐसे त्याग में जीवन का, जहाँ राज महल में पड़ी पली बड़ी एक युवती अपने युवावस्था में, जब किसी के भी सपने उसकी युवावस्था में उसके चरम पर होते हैं, उस काल में वह अपने सपनों को छोड़ करके और पति के साथ वन जाने को
तैयार हो जाती है, न तो उसे दशरथ ने जाने को कहा था, न उनकी राजमाताओं ने उन्हें जाने के लिए कहा था, फिर भी वो वन को जाती हैं। तो यहाँ उनका कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो जाता है। और हम पूरी तरह से देखें तो सीता का जो कैरेक्टर है वह दो वनवासों की व्यथा कथा है। दो बार उन्हें वनवास मिलता है, एक बार जब वो राम के साथ जाती हैं और दूसरी बार जब स्वयं राम उन्हें छोड़ देते हैं। इन दो वनवासों की व्यथा कथा के बीच में ही सीता का पूरा चरित्र चित्रण है। और इसके बीच में सीता जिस रूप में उभरती हैं तो वह दृढ़ चरित्र वाली एक स्त्री के रूप में उभर करके आती हैं, जो रावण के द्वारा सुवर्ण में लंका पर रहने पर भी एक ऐसा व्यक्ति उनका हरण करके ले जाता है जो स्वर्ण में लंका का अधिपति है, यानी उसके पास इतना राज वैभव है जिसकी कल्पना भी किसी के लिए संभव नहीं है। वहां भी जाने के बाद सीता उनके द्वारा अपनाने के प्रस्ताव को, विवाह के प्रस्ताव को ठुकराती हैं और वहां पर भी वो वन में ही रहती हैं, अशोक वाटिका में रहती हैं। कई बार बातचीत के प्रसंग में लोग इस तरह की बात करते हैं कि स्त्री जो है वह स्वर्ण के पीछे बहुत अभिभूत रहती है और सीता अगर स्वर्ण मृग की लालसा न करती तो उन्हें उनका हरण रावण न करते। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कहाँ एक छोटा सा स्वर्ण मृग, अगर हम इसे भी मान लें कि ठीक है सीता को स्वर्ण मृग ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो जहाँ एक स्वर्ण मृग था और वहां सोने की लंका थी, परंतु सोने की लंका में रहने के बाद भी सीता का दृढ़ चरित्र कहीं भी जो है पदभ्रष्ट नहीं होता है। और मैं जिस सीता की बात आज करने जा रही हूँ 10 मिनट में, सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट पर बात रखूंगी अपने, कि वो सच्चे दाम्पत्य प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में सीता उभर करके आती है, जिसका पहला कदम होता है पति के साथ वनगमन। दूसरा उनका कदम है कि वह रावण के पास रहते हुए भी स्वर्ण में लंका, इतने वैभव, तरह तरह की प्रताड़ना, सब कुछ सहते हुए भी वह अपने पति के लिए ही उन्हें ही याद करती है और उनके आने की प्रतीक्षा करती है। परंतु दुखद बात थोड़ी सी है, एक प्रसंग जो वाल्मीकि रामायण में आया है, युद्धकांड में आता है, कि जब राम रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जब सीता उनके सामने आती हैं तो वो कहते हैं सीता से, बहुत बहुत जो बातें कहते हैं वो बड़ी हृदय विदारक थी, उन्हें सुनने के बाद कोई भी स्त्री अपने पति के साथ जाना पसंद न करती, फिर भी सीता उन सबको सह करके दाम्पत्य प्रेम को का निर्वाह करती हैं। और राम कहते हैं रक्षता तु मया वृत्तम अपवादम च सर्वत प्रख्यातस्य आत्मवंशस्य न्यंगम च परिमार्जितः। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है, यानी यह जो मैंने युद्ध किया है वह केवल अपने कुल पर लगे हुए कलंक को धोने के लिए किया है, न कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए। प्राप्त चरित्रम संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासी मेद्रहा। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित हो चुका है सीते, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो, जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो, ऐसे वचन राम कहते हैं। फिर कहते हैं तद गच्छ तो जाओ, तद गच्छ त्वानुजाने अद्य यथेष्टम जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यम अस्ति न मे त्वया। कहते हैं हे जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। हे सीते, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं, तुम जिस दिशा में जाना चाहो जा सकती हो, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा, मुझे तुमसे कोई लगाव भी नहीं है। यद अर्थम निर्जता मे त्वम सो अयम आसादितो मया नास्ति मे त्वय अभिषंगो यथेष्टं गम्यतामिति। आज जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया, अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों को सुनने के बाद सीता के हृदय में जो निरंतर राम की प्रतीक्षा कर रही थी क्या बीती होगी। इससे भी आगे बढ़कर राम कहते हैं तद अद्य व्याहृतम भद्रे मैं तत्कृत बुद्धिना लक्ष्मणे वा अतभर्ते कुरु बुद्धिम यथा सुखम। हे भद्रे सीते, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो।
शत्रुघ्ने वा अथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना। हे सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न वनराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो, जहां तुम्हें सुख मिले तुम अपना मन वहां पे लगाओ। ये सारी बातें सुन के सीता का हृदय किस कष्ट की अनुभूति उसने की होगी। हो सकता है कोई दूसरी स्त्री होती या कोई दूसरे कैरेक्टर की बात चल रही होती तो वहां पर यह दाम्पत्य प्रेम भंग हो जाता, परंतु सीता स्वयं आगे बढ़कर के कहती हैं कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ और अग्नि परीक्षा की तैयारियां की जाए। सीता का जो ये अद्भुत दाम्पत्य प्रेम है, जहाँ वह किसी भी पति से किसी तरह का प्रश्न ही नहीं करती है, चाहे उसे पहली बार वन साथ में चलना पड़े, चाहे उसे जो है राम के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़े, अथवा किसी एक व्यक्ति के अपवाद के कारण उसे दोबारा वन में भेज दिया जाए। मैं अब इतना ही कहना चाहूंगी कि सीता की ये जो करुण मूर्ति है, सत्य है कि वह करुणस्य मूर्ति है और शरीरणी विरह व्यथा और शरीर से विरही व्यथा से ग्रस्त होने पर भी अपने धैर्यशील स्वभाव के कारण संपूर्ण स्त्री जाति को सम्मानित स्थान दिलाने का उन्होंने कार्य किया है। भारतीय समाज में स्त्री चरित्र की श्रेष्ठ वानगी उन्होंने प्रस्तुत की है। अतएव सीता क्षमा की प्रतिमूर्ति होने और शांत भाव से सत्य प्रति वात्सल्य और प्रेम पूर्ण हृदय रखने के कारण जगत जननी के पद पर सर्वथा अभिषिक्त किए जाने के योग्य है। प्रीति, इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और चाहती हूँ कि जगत जननी सीता के और भी बहुत से पक्ष जिन पर समय समय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ ओम गुप्ता जी का कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि संक्षिप्त ही सही मैं अपनी बात आपके सामने रख सकी। सच ये है कि हमें जब सुख मिलता है तो हम किसी चीज को अच्छे से किसी का भी साथ अच्छी तरीके से निभा देते हैं, लेकिन दुख की परिस्थितियों में भी साथ निभाना बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ा प्रेम का परिचायक होता है, धैर्य का परिचायक होता है। और सीता में वह प्रेम, वह धैर्य, वह अद्भुत मतलब वात्सल्य युक्त चरित्र था, वह सीता के पास था। बहुत बहुत धन्यवाद।